Onlar da bir şey oldu bence. Sen o rolünü mü yapıyor artık? Daha bunu yapmıyor. Ama bir ya. Bu şimdi yapsa değil. Çatışmaların bir pehli. Raja Maharaja bu olarak. और जब राजा को शौक होता शिकार करने का तब वह अपने राज के समस्त प्रजा को आदेश देता था तो जंगली जानवरों को हाथते हुए उस स्थान का ले जाते जहाँ राजा बैठा है शिकार करने जो प्रजा थी वह हाथ पकड़ते रहती थी नहीं मालूम कितने लोग क्षुब्ध जानवरों के शिकार को अपना प्राण तय देते थे जो नहीं आते थे वो बच जाते थे और जो बच जाते थे यहाँ का पाने हुए वे राजा का यश काटते हुए राजा ने कभी उन मरने वाले आदमियों की चिंता नहीं की लेकिन चिंता उस आदमी की जरूर की जो हाथा पारने के लिए नहीं आया क्योंकि उसको उन लोगों को दंड देना आज का विषय कुछ मुझको इसी तरह का होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया को उसी तरह देख रही है जैसे वह हाथा पारने ना आए एक अजीब सी स्थिति में आज हम पड़े हुए हैं मैं कहूं कि विचार शून्यता की एक स्थिति में आज हम हैं तो शायद हम बहुत गलत नहीं थे और इस स्थिति को मापने के लिए जांचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इतिहास को अपने समाज को और समाज की रूढ़ियों को ध्यान दें कि ऐसा क्यों है कि आज हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का सवाल तो उत्पन्न हो गया है ऐसा क्यों है कि हम दोनों में तुलना कर यह जानना चाहते हैं कि इसमें से कौन हमारे लिए उपयोगी है बड़े बड़े लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वे संभवतः यह करना चाहते हैं कि हम भारतीय मनुष्य को आज से 50 साल आगे की दुनिया की सैर कराना चाहते हैं यही काम तो हमारे साहित्य ने भी किया था हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ साक्षरता का निरंतर नितांत अभाव हो जहाँ का मनुष्य उस स्तर पर नहीं पहुंचा हो कि वह आधुनिकता को बहुत ठीक ठीक अपने में आत्मसात कर सके और उसे हम आधुनिकता का पाठ पढ़ाते चले जाए आप देखिए हिंदुस्तान अभी भी साक्षरता के नाम पर बहुत पीछे है अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी आज हिंदुस्तान की करीब करीब 50% आबादी निरक्षर है ये बात अलग है कि हम दावा कर ले कि हमने उन्हें अक्षर ज्ञान करा दिया है दस्तक करना सिखा दिया है लेकिन दस्तक करना या अक्षर का ज्ञान समाज को समझने के लिए एक अजीब स्थिति है कि साहित्य ने पिछले 50 वर्षों का यदि हम इतिहास ले लें तो हम देखेंगे कि साहित्य अपने समाज से बहुत आगे की बात कर रहा है जिसको समाज आत्मसात नहीं कर रहा है हमारे शोधकर्ता ने यह बात यह प्रश्न उठाया कि आखिर हम लिखते किसके लिए हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं किस तक अपनी बातों को रखना चाहते हैं यह एक बड़ा सवाल है और तब ऐसा लगता है कि हम आधी पढ़ी लिखी आबादी के सामने बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं ऐसी स्थिति में बहुत स्वाभाविक है कि वह आबादी आपके साहित्य से दूर होती चली जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बहुत बड़े अर्थ में उस आधे पढ़े लिखे समाज के सामने सिर्फ मनोरंजन का साधन बन कर चला गया क्या साहित्य या ऐसा प्रभावशाली मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन बने या वह मनुष्य के मन को शुद्ध करे अनुरंजित करे और उसे आगे कुछ ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी करे विज्ञान हमारे सामने आया
लेकिन वह अनेक चुनौतियां लेकर आया। संचार के सारे माध्यम है वे अभी भी हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियों के साथ खड़े हुए हैं। आज आप देखिए लोग हमारा समय यह कहता है कि मनुष्य के पास पढ़ने के समय नहीं है, इसलिए वह ऐसे माध्यम को ढूंढता है जिसमें देखने और सुनने की सुविधा। सवाल यह है देखने और सुनने की सुविधा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिया हमको दे रहा है उसमें हम किस तरह की संस्कृति भारतीय मनुष्य को छोड़ रहे हैं। अजीब सा लगता है कि एक खूब अप संस्कृति बहुत धीरे धीरे हमारे समाज के ऊपर एक जा रही है। आज सारे के सारे विज्ञापन के माध्यम, पिछले दिनों में एक विज्ञापन देख रहा था तो उसमें कारण व्यावसायिकता है, लेखक का समाज से सीधे सरोकार का अभाव है, इन सब चीजों से यदि हमको मुक्ति मिल जाए तो जरूर यह पुस्तक का संसार हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हो जाता है। हमारे वाणिज्य में कॉमर्स में जब लड़कों को कॉमर्स की पहली शिक्षा दी जाती है तो समझ तो पहला पाठ होता है कि पहले दिन और पीछे दिन पहले लिख और पीछे दे भूल पड़े आकर्षित दे। यदि कुछ चूक जाता है तो हमारी हमको फिर से सही रास्ते को प्रिंट मीडिया का हमारे समाज में हमारे महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकें हमारे जीवन से गायब हो गई और हम केवल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य की अस्मिता और उसकी संस्कृति भी गायब हो जाएगी, इसलिए समाज में पुस्तकें अत्यंत जरूरी है। आपने उत्तर दिया।